खबर शामिल करते हैं सियालकोट से जिलाई इंतजामिया और जिलाई पुलिस की जानिब से यौम आजादी के मौके पर कौमी हीरोज और शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए वाल ऑफ सियालकोट पर कौमी शोहदा पाक फौज शोहदा पुलिस और अहम शख्सियात की तस्वीर को तारीखी हवालों के साथ अवेजा किया गया है। देखते हैं सियालकोट से सवेरा टीवी चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद नदीम की ये रिपोर्ट। यौम आजादी को शान शयान अंदाज से मनाने के लिए जिलाई और पुलिस इंतजामिया की जानिब से कौमी हीरोज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए वाल ऑफ सियालकोट पर अहम शख्सियात और शोहदा की तस्वीर को तारीखी हवालों के साथ अवेजा किया गया है। हमने वाल ऑफ सियालकोट को जैसा कि आपने देखा कि शोहदा से मंसूब किया है, पाक फौज के शोहदा की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। इसका एक मकसद ये है कि हमारी आने वाली नस्ल जो है इन लाजवाल कुर्बानियों से उसको रूशनास कराया जाए, और एक जो डिस्कनेक्ट आ गया है, जो तारीख का इतना नॉलेज नहीं है बच्चों को, वो उनको पता चले कि किन कुर्बानियों के नतीजे में ये मुल्क बना और फिर आज सलामत है। लिहाजा 14 अगस्त पे मेरा ये मैसेज है कि इस मौका पे हमें उन कौमी हीरोज़ को, जिनकी बदौलत आज हम इस मुल्क में आज़ाद शहरी के तौर पे रह रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए। पाक फ़ौज की, पुलिस की, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, सिविल अफसरान की उन कुर्बानियों को याद रखना चाहिए जिनकी वजह से आज हम अपने मुल्क में एक आज़ाद शहरी के तौर पर रह रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अदनान महमूद ने कहा कि वतन अजीज की आज़ादी में शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां शामिल हैं। इस मुल्क को लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। पूरी कौम शोहदा को सलाम अकीदत पेश करती है। पूरे शहर के गिरदो नवा में मनाई जाएंगी उन तकरीबात में अपने उन शोहदा का, जिनका खून आपकी इस आज़ादी में भी शामिल था और आपकी इस आज़ादी के बाद भी आपके इस पुरअमन दौर में आपको पुरअमन रखने में और आपकी पुरअमन नींदों के लिए जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, उनको मत भूलिएगा। उन शोहदा का ताल्लुक किसी भी यूनिफॉर्म से हो, किसी भी फोरम से हो, वो मेरे पुलिस के शोहदा हैं, वो मेरे अफवाज पाकिस्तान के शोहदा हैं, वो मेरे दूसरे यूनिट्स के शोहदा हैं। हर वो शहीद जिसने इस वतन अजीज़ के लिए अपनी जान जान आफरीन के स्पुर्द की, वो मेरा सरमाया है, वो मेरा फ़ख्र है, वो मेरे सर का ताज है, वो मेरे माथे का झूमर है। आप अपनी इन खुशियों में शोहदा की फैमिलीज़ को इसी तरह इज़्ज़त, रिगार्ड और ऑनर दीजिएगा कि जैसे हम अपने हीरोज़ को दिया करते हैं। इसके साथ अपनी इन सेलिब्रेशंस में, अपनी इन तकरीबात में आप अपनी खुशी के साथ दूसरे की खुशी का भी खसूसी ख्याल रखें कि आपकी खुशी मनाने के दौरान वही खुशी किसी दूसरे के लिए किसी गमी का बास ना बन जाए। तो आप लोगों से बिल्कुल एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, इल्तमास है कि इन सेलिब्रेशंस में आप हवाई फायरिंग से इजतनाब करें और हर उस दूसरी शर अंगेज़ कार्रवाई से, उस हरकत से इजतनाब करें कि जो कि आपको कानून के ज़िम्मे में ले आएगी और आप लाकानूनियत जो है वो कर बैठें। अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो फिर कानून ज़रूर जो है आपको कानूनी हिसाब से उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा और कानून ज़रूर हरकत में आएगा। आपको आज़ादी की बहारें और आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। एसएसपी ज़िया ने कहा कि वाल ऑफ सियालकोट का मकसद शहरियों को शोहदा की कुर्बानियों और ख्वातीन कौमी हीरोज़ की वतन अजीज़ के लिए खिदमात से आगाही फ्राहम करना है। खबर रहिए हर जगह हर वक्त पर वक्त। अभी सवेरा न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात वाकयात यकीन के साथ।